लेसन फोर है आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एन द। ए और एन का मतलब एक होता है, द किसी स्पेशल चीज़ के लिए आता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, जो अपने आप संसार में अकेला हो। जैसे एन इग्लू, एन आउल, जो पांच वॉवेल होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू, कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिसके पहले ये आ रहा हो तो उससे पहले एन आता है। जैसे इग्लू में आई आर है, आउल तो इससे पहले एन, ईयर एन, एन अम्ब्रेला, द रेनी सीजन, अ टेबल, कोई भी चीज़ जो वन बताता है, वन के लिए आ वन रुपी नोट, वन में वा की आवाज़ आ रही है ना, इसलिए आ वन रुपी नोट, क्योंकि इसकी साउंड जो है वो नहीं आ रही, साउंड ही आनी चाहिए ए ई आई ओ यू। तो जैसे आपने आउल पढ़ा तो आ की आवाज़ आ रही है, लेकिन वन में किसकी आवाज़ आ रही है, वा की, तो जिसमें ऐसे आ की आवाज़ नहीं आएगी तो उससे पहले आ आएगा, इससे पहले एन आएगा, आउल से पहले, ठीक है। अब इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, इन्होंने एक्सरसाइज दी है जो प्रॉपर धा किसके पहले, जैसे इंडियन ओशन, संसार में अकेला है, नाइल रिवर के नाम से पहले, द अमेरिकन, द एल्प्स, द रेड फोर्ट की बिल्डिंग, जो अपने आप में बिल्कुल द रामायण है, कोई भी बुक का नाम, सन, मून, स्काई, पर्वत, सबके नाम से पहले द आता है, जैसे एरा। अब इसमें आर्टिकल्स ए एंड द आर नॉट यूज विद प्रॉपर नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन क्या होते थे, जो किसी का प्रॉपर नाम होता था, जैसे न्यू दिल्ली इंडिया, इसके पहले कोई भी नाउन नहीं लगेगा, ना ए ना एन ना दा, चाइना बांग्लादेश, इनके पहले भी नाम है ना देशों के, तो इस तरह जैसे जापान, श्रीलंका, इंग्लैंड, जो भी कैपिटल लेटर से लिखे हुए कोई प्रॉपर नाउन है इनसे पहले नहीं लगेगा। अब ये है, इसमें आपको करना है आर्टिकल्स में, वेयर इज़ द रेड, चूहा कहाँ है, कैंडल इज मेल्टिंग, द कैंडल इज मेल्टिंग, पर्टिकुलर कैंडल की बात कर रहे हैं, अ बर्ड इज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, ताजमहल बिल्डिंग है ना, मैंने कहा जो संसार में अपने जैसा अकेला है, तो द ताजमहल इज अ वंडरफुल बिल्डिंग। अब यहाँ देखिए ए एन द लगाना, एक्सरसाइज ई से शुरू हो रहा है, ए की आवाज़ आ रही है, एन एक्सरसाइज, अर्थ अपने आप में अकेली है तो द, यूरोपियन किसकी आवाज़ आ रही है, या की, तो आ यूरोपियन, वैसे एन आना चाहिए ई के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, लेकिन आवाज़ यू की आ रही है ना, अम्ब्रेला में आ की आवाज़ आ रही है, अम्ब्रेला फर्स्ट वर्ड आ है तो एन अम्ब्रेला, ये क्या है, यूनिफॉर्म, या की आवाज़ आई तो क्या आया, आ यूनिफॉर्म, कैरेट आ कैरेट, बॉक्स आ बॉक्स, आइडिया आ की आवाज़ आई, एन आइडिया, आ सिटी, एयरक्राफ्ट में एन एयरक्राफ्ट, आर इसमें एच की आवाज़ साइलेंट रहती है, क्या पढ़ते हैं, आर, आप हावर मत पढ़ लेना, आ से पढ़ते हैं, एच साइलेंट है तो इसलिए एन आता है, ये यू आर है तो यूकेलिप्टस ट्री, तो द यूकेलिप्टस ट्री लगा लो, चाहे आ यूकेलिप्टस ट्री लगा लो, ये फिनिश हो गया।